गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप सब सबको शुभ समझकर अब नवरात्रि शुरू हुआ है। आप सभी पूजा पुनस्कार में रहते हैं, इसमें भी आपका कुछ देवल देवालय शेयर करने के लिए कुछ कहाँ अच्छे पैसा को जाकर रहते हैं, है ना। आप मैसूर देखे हैं क्या? हाँ, मैसूर में कौन कौन सी जगह बहुत अच्छे देखने के लिए है आपको पता है ना, है ना। एक बहुत सुंदर बगीचा भी है उधर, और देवालय भी, चामुंडी बेटा, ये सब अच्छे बहुत तो खुश से देखकर आते हैं, है ना। आज हम ऐसे एक स्कूल में छुट्टियों में माँ बुलाकर कहाँ लेके जाते हैं, गांव के लेकर जाते हैं। गांव में दादाजी के पास अच्छे अच्छे कहानियाँ भी आप सुनते हैं, जैसे खेत पेड़ पौधों में भी आप सब रहते हैं, देखकर बहुत खुश भी रहता है, मन को उल्लास भी मिलता है। ऐसे एक हम बगीचे, गांव के एक बगीचे में लेके जाऊंगी, आप सब मेरे साथ आओ। हाँ, आज की क्लास है सुंदर बगीचा। सुंदर बगीचा कहाँ है? आपके दादाजी के घर में है। दादाजी के घर में सुंदर बगीचा है। आज भी हम क्लास में करेंगे सुंदर बगीचा, देखेंगे लेसन नंबर 8, पेज नंबर 24। देखो सुंदर बगीचा, तो ब्यूटीफुल गार्डन। सुंदर बगीचा मीन्स ब्यूटीफुल गार्डन। चलो, राघव होता है, आप भी समझो, आपके नाम भी राघव है। राघव होता, राघव यहाँ बगीचा बहुत सुंदर है। लक्ष्मी कहती है बगीचे में हरे भरे पौधे हैं, उधर बड़ा फव्वारा है। राघव, पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन लाल गुलाबों को देखो। लक्ष्मी, पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, काला कौवा उड़ रहा है। राघव, बूढ़ा माली पौधे लगा रहा है। लक्ष्मी, वहां दिन पर काम करता है, वहां मेहनती है। राघव, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। लक्ष्मी, नटखट बीना भी वही है, क्या उनके साथ चलकर खेले। राघव, क्यों नहीं, चलो चलकर खेलते हैं। और एक बार पढ़ोगे आप, देखिए। राघव, वहां यहाँ बगीचा बहुत सुंदर है। लक्ष्मी, बगीचे में हरे भरे पौधे भी है, उधर बड़ा फव्वारा है। राघव, पौधों पर रंग बिरंगे फूल खिले हैं, उन लाल गुलाबों को देखो। लक्ष्मी, पेड़ पर दो तोते बैठे हैं, काला कौवा उड़ रहा है। राघव, बूढ़ा माली पौधे लगा रहा है। लक्ष्मी, वहां दिन भर काम करता है, वहां मेहनती है। राघव, उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं। लक्ष्मी, नटखट बीना भी वही है, क्या क्यों उनके साथ चलकर खेले। राघव, क्यों नहीं, चलो चलकर खेलते हैं। ये राघव, लक्ष्मी, माली कहाँ पर है? एक सुंदर बगीचे के बीच में है। कहाँ है वो सुंदर? एक ब्यूटीफुल क्या गार्डन में एक लक्ष्मी, राघव, माली है। आप भी है ना उनके साथ, आप भी है चिल्ड्रंस। देखो यहाँ सरल मीनिंग बोलूंगी मैं, आप देखो यहाँ बगीचा बहुत सुंदर है। कौन बोलता है? राघव बोलता है, यह बगीचा बहुत सुंदर है और ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल गार्डन है। कौन कहता है? राघव किससे कहता है? लक्ष्मी से कहता है। लक्ष्मी, बगीचे में हरे भरे पौधे हैं, बगीचे में ग्रीन छोटे छोटे प्लांट्स है, क्या है, छोटे छोटे है प्लांट्स है। उधर एक फव्वारा है, एक बड़ा फव्वारा, उधर देखो एक फाउंटेन है, किधर, उधर
देखो माँ, लक्ष्य होते पेड़ पर दो तोते बैठे हैं। देखो ना, दो पेड़ पर बैठते हैं ना, ट्री पर कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? तोते रहते हैं, पीकॉक रहते हैं, सब भी रहते हैं, तोते रहते हैं, तोते बैठे हैं। काला कौवा उड़ रहा है, काला कौवा मीन्स ब्लैक क्रो, उड़ रहा है, फ्लाइंग मा कर रहा है। रावण बोलता बूढ़ा पानी पौधे लगा रहा है। कौन कर रहा है? ओल्ड मैन। ओल्ड मैन में गार्डनर रहता है ना, वो छोटे प्लांट को लगा रहा है। क्या कर रहा? ग्रोथ कर रहा है, अच्छे से पानी छिड़कता है, उसे पौधे लगाता है, सभी कर रहा है। लक्ष्मी हाँ दिन भर काम करता है, फुल डे काम करता है, वर्क करता है। कौन? माली। वो मेहनती है, वो गार्डनर बहुत हार्ड वर्कर है, बहुत काम करता है। उधर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, जिसे उधर से बच्चे खेल रहे हैं। चिल्ड्रंस प्लेइंग, चिल्ड्रंस कहाँ है? उधर से है, चिल्ड्रंस खेल रहे हैं। नटखट बीना भी वही है, नटखट नाटी बीना भी उस चिल्ड्रंस में अकेले होकर खेल रही है। चलो क्यों ना हम साथ चलकर खेलें, हम भी ज्वाइन करेंगे, उनके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, नाचेंगे। चलो राघव, लक्ष्मी कहते हैं राघव बोलता क्यों नहीं, व्हाई नॉट, चलो हम भी खेलेंगे, हम भी ज्वाइन होंगे, उसके साथ खेलेंगे। क्या देखते थे वो राघव और लक्ष्मी? एक बगीचा देखने आए थे, एक और सुंदर बगीचा देखने आए थे। बगीचे में क्या क्या है? कलरफुल फ्लावर है, छोटे छोटे पौधे हैं, और एक इसमें क्या पेड़ पर एक तोते बैठे हैं, पैरट बैठे हैं, और एक क्रो उड़ रहा है। सब देख के और खेलने के लिए बहुत बड़ा फील्ड था, उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे। नाटी बीना भी वहाँ खेल रही थी, उसके साथ दोनों लक्ष्मी और राघव मिलकर खेलने उससे जाते हैं। चलो आज हम एक सुंदर बगीचा को देखकर आए हैं, और देखकर आकर उसे आज पढ़कर याद करेंगे। देखो एक शब्द मीनिंग है, शब्द मीनिंग क्या क्या है? देखो सुंदर ब्यूटीफुल बूढ़ा ओल्ड मैन, ओवर कॉम्प्लेक्स पेड़ ट्री, फूल फ्लावर, गुलाब रोज, नटखट माटी, माली गार्डनर। कारण आज ये देखें क्या है, देखो ये पुलिंग का स्त्रीलिंग। अब हम दादा दादी नाना नानी अंकल आंटी सब करते हैं ना, देखिए वो अब मेल फीमेल को हम करते हैं पुलिंग और स्त्रीलिंग। पुलिंग क्या है स्त्रीलिंग? देखो दादा दादाजी दादी जी दादी जी, देखिए स्त्रीलिंग है। नाना जी नानी जी नानी जी, कौन है नानी जी स्त्रीलिंग में? मामा जी मामी जी, चाचा जी चाची जी चाची जी, मौसा जी मौसी जी मौसी जी। देखिए ये कौन सी है? दादाजी किसे कहते हैं? पापा के पापा को दादाजी कहते हैं। नाना जी मम्मी के पापा को कहते हैं। मामा जी पापा मम्मी के भाई को कहते हैं। चाचा जी पापा के छोटे भाई को कहते हैं। मौसी जी पापा के बहन को मौसी जी कहते हैं। देखो चिन्ह एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। दादाजी दादी जी, नाना जी नाना जी नानी जी, मामा जी मामी जी, चाचा जी चाची जी, मौसा जी मौसी जी। आज ही क्लास इतना ही बस, कल के